हेलो नमस्कार, मैं रमेश चंदनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। मेरे कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि जो कंप्यूटर के वीडियोस हैं वो हिंदी में बनाए जाएं, तो आपके उन्हीं कमेंट्स के आधार पर आज मैं UKSSC, UKPSC, बैंकिंग, रेलवेज, क्लर्क व ग्रुप सी और अन्य कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर फील्ड से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो हिंदी में लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि मैं अपने वीडियोस के एनालिटिक्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखते हैं और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? डिजिटाइजिंग, डीमॉड्यूलेशन, फॉर्मेटिंग, मॉड्यूलेशन। आंसर इज मॉड्यूलेशन। ओके, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और इसका जस्ट अपोजिट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी एक दस्तावेज फाइल को अन्य दस्तावेज फाइल से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है हाइपर पॉइंट, हाइपर जंक्शन, हाइपर लिंक, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज हाइपर लिंक। एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक कर लेना, वही क्या कहलाता है? आपका हाइपरलिंक कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस हैं डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर द्वारा सर्वर से सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फेचिंग, इनमें से कोई नहीं। योर आंसर इज डाउनलोडिंग। कंप्यूटर द्वारा सर्वर से कोई भी आपका जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर से सर्वर में स्टोर करते हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? ऑप्शन हैं MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access। योर आंसर इज MS PowerPoint। प्रेजेंटेशन किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तैयार होती हैं? MS PowerPoint में तैयार होती हैं। ठीक है, ये MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें MS Word की, तो उसमें हम लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं। MS Excel में हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। और MS Access जो है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और उसी तरह MS PowerPoint आपका प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, किसी दस्तावेज फाइल में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं प्रिंटिंग, सेविंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग। आंसर इज एडिटिंग। किसी फाइल में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम, उसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है, हम आपने सुना भी होगा कि फाइल में एडिट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो इंटरनेट पर आवश्यक सामग्री ढूंढने में यूजर की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन्स होते हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मदद करते हैं हमें इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। ओके, जैसे एग्जाम्पल गूगल सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन है, सूचना को शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं सर्वर, नेटवर्क, राउटर, टर्मिनल। आंसर इज नेटवर्क। ओके, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दो कंप्यूटर्स में या दो से अधिक कंप्यूटर्स में, आप तो उनको क्या करना पड़ता है, आपस में पहले
कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और क्या बनाना पड़ता है, एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स बनते हैं, लैन, मैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सूची, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, इंडेक्स। आंसर इज डायरेक्टरी। ओके, कंप्यूटर में जहां आपकी फाइल्स स्टोर रहती हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टाम्प, उपरोक्त सभी। आंसर इज यूआरएल। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कहलाता है यूआरएल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते समय उसका चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? चार्ट, रेड चार्ट, फ्लो चार्ट, फिक्स चार्ट। आंसर इज फ्लो चार्ट। ओके, जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, तो उससे पहले हमें उस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ताकि वो हमें मदद करता है उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने में। ओके, तो एक पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल, हाई टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डेवलप करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन CPU का भाग है? ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, ALU, टेप। आंसर इज ALU। ओके, तो ALU जो है CPU का एक पार्ट होता है। CPU के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही क्या है, ALU है। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर और ये जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, और टेप जो है आपका मैग्नेटिक टेप, अगर मैं बात करूँ तो ये स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, VDU, कीबोर्ड, लाइट पेन। आंसर इज VDU। बाकी तीनों क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये किसी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर के भाग नहीं होते, उन्हें सिस्टम में प्राय बाद में जोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट, पेरिफेरल्स। आंसर इज पेरिफेरल्स। ठीक है, उन ऐसे डिवाइसेस जो मेन कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते हैं, उनको हम अपने यूज के लिए बाद में CPU से ऐड करते हैं। लाइक हम प्रिंटर की बात करें, या हम स्कैनर की बात करें, या हम वेब कैमरा की बात करें, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, पेरिफेरल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये मेन कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेन कंप्यूटर के बेसिकली पार्ट क्या होते हैं आपका, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU और स्पीकर भी हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये पांच जो हैं वो मेन कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, बाकी सारे जितने भी हम पार्ट्स में ऐड करते हैं उनको हम पेरिफेरल्स बोलेंगे अपने यूज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर होती है? एनालॉग, डिजिटल, हाई लेवल, वॉइस डेटा। आंसर इज डिजिटल। कंप्यूटर में जो आपका डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम बाइनरी फॉर्मेट या मशीन इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड प्रॉम्प्ट में DIR कमांड क्या देखने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं कार्य, पैकेज, सभी सूचियां, फाइल सूची। आंसर इज फाइल सूची। DIR एक कमांड है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर्स में फाइल्स बनी हुई हैं उनको लिस्ट के फॉर्म में आपको शो कर देगा DIR कमांड। ओके, नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में लगातार 8 बिटियों की सीरीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट। आंसर इज बाइट। 8 बिट से मिलकर के 1 बाइट बनती है। ठीक है, बिट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया मेमोरी का, 0 या 1। निबल क्या हो गया, 4 बिट से मिलकर के 1 निबल बनता है। और किलोबाइट क्या हो गया, आपका एक मेमोरी का
स्टोरेज का बड़ा यूनिट है और 1 किलोबाइट में कितने बाइट 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर, MP3। आंसर इज MP3। कीबोर्ड, माउस और प्लॉटर क्या है, ये हार्डवेयर्स हैं, और MP3 क्या है, एक फाइल है, ठीक है, कि बेसिकली कौन सी फाइल, म्यूजिक फाइल, सॉन्ग की फाइल कोई, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में .bak, .doc, .html किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस हैं एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, डेटाबेस, इनमें से कोई नहीं। योर आंसर इज एक्सटेंशन। ये क्या है, किसी पर्टिकुलर फाइल के क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम कोई फाइल कंप्यूटर में बनाते हैं तो उसके दो नेम होते हैं, प्राइमरी नेम होता है और एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि वो किस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो .bak जैसे बैकअप फाइल है, .doc डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल है, .html HTML की एक फाइल है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन नेम बताते हैं कि वो किस टाइप की फाइल है। नेक्स्ट इज 21, किसी स्टोरेज डिस्क में मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शन है नेटवर्क, रूट, फोल्डर, फाइल। आंसर इज रूट। अभी हमने बात की थी कि डायरेक्टरी क्या होता है, आपका स्टोरेज होता है, फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो आपके किसी भी डिस्क में, या हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क में कई सारी डायरेक्टरीज होंगी, तो उसमें मेन डायरेक्टरी, जो उसकी मेन डायरेक्टरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और बाकी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, रैम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है रैम हार्ड डिस्क के समान स्टोरेज है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल है, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आंसर इज रैम हार्ड डिस्क के समान स्टोरेज है। तो ये कथन सत्य नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज है, जबकि रैम में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है, वो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक डेटा को स्टोर करता है, उसके बाद डेटा को वो आपका डेटा रैम से हट जाता है, ठीक है। जबकि हार्ड डिस्क में हम परमानेंट रूप से उसको, आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट इज, कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, ठीक है। आपने कॉपीराइट सिंबल आपने देखा होगा, सी और राउंड बना हुआ होता है, तो उसको बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, अगर आप एमएस वर्ड में उसको बना रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, मतलब ऑल्ट की के साथ कंट्रोल की और उसके साथ सी हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तब आपका कॉपीराइट सिंबल आपके स्क्रीन पे शो होगा। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? पीसी डॉस, ऑफिस XP, एमएस पब्लिशर, यूनिक्स। आंसर इज यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करूं तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है ना, कि आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो उनको साइज के अकॉर्डिंग उनको क्या कर गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर में जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो उनमें यूज किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूनिक्स, ओके। बाकी ये सब आपके क्या है, ऑफिस XP भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस पब्लिशर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। तो ये था कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।